उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में भी बड़े फेरबदल की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जल्द ही पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं इस फैसले से अब बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब बीजेपी कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का विकल्प तलाशने में जुटी है। आखिर किसको मिलेगी कर्नाटक की कमान और कौन है वो बड़े चेहरे जिन पर चल रहा है विचार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी को जहां पहले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के पद से हटने को तैयार होने के बाद सब ठीक होने की उम्मीद थी, वहीं अब भी बीजेपी की दिक्कतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि येदियुरप्पा की जगह कौन। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान विकल्प के तौर पर गैर विवादित चेहरे को सामने ला सकती है, जिसके चलते केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम प्रमुखता से उभरता हुआ दिख रहा है, लेकिन राज्य के नेताओं पर उनकी पकड़ को लेकर संदेह बना हुआ है। साथ ही जातीय समीकरणों में भी इससे दिक्कत आने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि जोशी संसद सत्र के दौरान ही बेंगलुरु रवाना हुए हैं और वहां पर विधायकों को टटोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि राज्य के जातीय समीकरणों में लिंगायत या बोक्कालिंगा नेता को प्राथमिकता मिलने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब बीजेपी को येदियुरप्पा का विकल्प ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वही दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के प्रमुख नेता बसवराज बोम्मई और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नाम भी प्रमुखता से चर्चा में चल रहे हैं। वहीं कर्नाटक की फिलहाल की स्थिति को देखते हुए भाजपा नेतृत्व अपने इस फैसले को कुछ दिन के लिए टाल भी सकता है, क्योंकि अब नेतृत्व को सिर्फ नया नाम तय करना है। इसीलिए जल्दबाजी करने से अच्छा है कि सारे विकल्पों और सारी स्थितियों पर विचार कर फैसला लिया जाए। बता दें कि पार्टी आलाकमान बीएस येदियुरप्पा की सेहत और उम्र को देखते हुए इस्तीफा चाहती है। वही चर्चा इस बात की भी है कि येदियुरप्पा केंद्रीय कैबिनेट में अपने बेटे के लिए पद चाहते हैं, जिस पर पार्टी विचार विमर्श कर रही है। वी लाइव की रिपोर्ट।